राज्य मंत्री के आदेश पर चालू हुआ झारसिंतली पुल। दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड आज से शुरू। NHAI के XCN ने किया विधिवत उद्घाटन। 25 करोड़ की लागत से तैयार हुआ झारसिंतली पुल। राष्ट्रीय राजमार्ग गांव झारसिंतली पुल की दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड को 3 लेन बनाकर तैयार कर दिया गया है। आज फरीदाबाद से पलवल जाने वाले ट्रैफिक के लिए शुरू कर दिया गया है। पुल की साइड चालू होने से अब रोजाना निकलने वाले लाखों वाहनों का आवागमन सुगम हो जाएगा और रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से छुटकारा भी मिलेगा। पलवल से फरीदाबाद आने वाली साइट को ट्रैफिक के लिए पहले ही खोल दिया गया। वैसे तो इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णन पाल गुज्जर ने करना था, लेकिन पूर्व हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के अचानक हुए निधन के कारण कृष्णन पाल गुज्जर ने उद्घाटन कार्यक्रम रद्द किया, लेकिन उन्होंने आज ये पुल पब्लिक को समर्पित करना था, इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसको चालू किया जाए। NHAI के XCN धीरज सिंह ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। NHAI के XCN धीरज सिंह ने बताया कि रिलायंस कंपनी ने इस पुल को तैयार किया है और इस पर 25 करोड़ की लागत आई है। आज इसको मंत्री द्वारा जो है किशन पाल गुजर जी माननीय मंत्री द्वारा खोला जाना था, लेकिन किसी जो है दुखद समाचार के कारण विपुल गोयल जी के ब्रदर का जो है आज भाई साहब का बड़े का जो देहांत हो गया, तो मंत्री जी ने प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। तो उनके आदेश अनुसार ही आज इस कार्यक्रम को जो है उन्होंने कहा कि इसको जो है पब्लिक को समर्पित कर दिया जाए। जो उन्होंने टाइम से पब्लिक से वादा किया था उसी को जो है पालन करते हुए आज पब्लिक को इसको समर्पित किया जा रहा है और ट्रैफिक ओपन किया जा रहा है। ये 25 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। सीधा जाएगा झारसिंतली का पुल है, ये सीधा आगरा के लिए रास्ता खुला है और इसमें कम से कम जो है 15 से 20 मिनट जो समय जो लगता था ट्रैफिक जाम का उससे निजात मिलेगी।